हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40 to 45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, PIB, PRS, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से हम लोग देखते हैं कि देश में, दुनिया में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है जो कि आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, और डे बाय डे जो है आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी और न्यूज़ है जिससे आप अपने आप को मैच कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ना सिर्फ देखो, ये सेशन सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से जाएंगे, चाहे आपका पैटर्न चेंज हो चाहे पैटर्न चेंज नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि जो हम लोग कवर करते हैं ये बेस्ट न्यूज़ होती है, बेस्ट न्यूज़पेपर में से होती है, डिटेल में होती है, तो इसके अलावा बाहर तो क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप लाइफ में अपनी वैल्यू एड ऑन कर पा रहे हो, क्या आप जो 6 महीने पहले थे आज आप उससे बेहतर हो कि नहीं हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या कोई चीजें आपने एड ऑन करी है अपनी लाइफ में जो कि आपको आगे लेके जाने में हेल्प करे, ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछते रहा करो ताकि आप आगे बढ़ते रहो और चीजें आपकी लाइफ में आगे बढ़ती रहे। ऑलराइट, तो एक बच्चा है जो कि यहाँ पे शैलेंद्र ट्रेन में सफर कर रहा है और साथ में करंट अफेयर सेशन भी देख रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, दिस इज नोन एज द यूटिलाइजेशन द टाइम। आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, उस टाइम पे जगह अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, है ना। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 22nd of September, सुबह के 7:09 जो कि हो चुके हैं, और हमेशा की तरह कई सारे न्यूज़पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में क्या नया है, तो नई तो दोस्तों हमेशा की तरह आर्टिकल्स ही हैं, जैसे कि द हिंदू में 6 टोटल आर्टिकल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 4 हैं, जनसत्ता में 3 न्यूज हैं, और बाकी सारे सोर्सेस से 3 न्यूज है जो कि कलेक्ट करी गई है। तो नियर बाय 15-17 के आसपास न्यूज हम लोग कवर करेंगे 45 मिनट के अंदर। कल दिए थे कुछ सवाल, उनके आंसर भी देख लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 4 मेडल जीते वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो सभी को आंसर मालूम होना चाहिए, बजरंग पूनिया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपसे पूछा था एक स्टेटमेंट, आपको बताना था कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। तो देखो, पहला स्टेटमेंट यहां पे ये लिखा हुआ है कि भारत में जो चीता प्रजाति है ना, एशियन चीता थे, जो भारत की स्वतंत्रता से पहले ही विलुप्त हो गए थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, विलुप्त हो जाना और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना दो अलग बातें होती है। बोलने में तो हम ये लोग बोलते हैं कि देश की आजादी तक जो है वो चीता गायब हो गए थे, लेकिन जो हमने इनको एक्सटेंट घोषित किया था ना, वो हमने इनको दोस्तों 1952 में किया था। तो 52 तो मान देश की आजादी के बाद हुआ, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है, अफ्रीका में पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन ईरान में भी पाए जाते हैं, है ना, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर IUCN के, तो तीनों ही फिर बाकी बिल्कुल सही है। तो आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ADB के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है USA और जापान, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे USA। नेक्स्ट है, कंट्री जिसने सबसे ज्यादा उधारी है जो कि श्रीलंका को दी है, तो दोस्तों चाइना को बीट करके हम लोग नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। नेक्स्ट है जो कि करंट अफेयर कैप्सूल, अगर आप इंडिया में कोई भी स्टेट PCS, डिफेंस, पुलिस, SSC, बैंक, FCI किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग करंट अफेयर कैप्सूल बैच है जो कि लॉन्च हो रहा है, और 23rd से जो है, यानी कि कल है ना 23rd, कल ही 11 बजे क्लास है इसकी। वैलिडिटी दोस्तों इसकी 6 मंथ की है, आप इसको चेंज हो जाएगा ये, डोंट वरी, यहाँ पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। साथ में दोस्तों ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, दोनों लैंग्वेजेस में वीकली टेस्ट, ओके, ये सब आपको इस कैप्सूल कोर्स में मिलेगा। 500 रुपए टाइप का ये, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। साथ में अगर आप SSC क्रैक करना है अगर आपको, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं Tier 1 और Tier 2 दोनों के लिए, उसकी भी क्लासेस दोस्तों 23rd से ही कल जो है वो लॉन्च हो रही है, शिप्रा मैम और दीपक सर की हो चुकी है, मात्र 2000 रुपए के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर जो SSC के हैं वो सब कंबाइंड बैच के साथ 1000+ सिलेक्शन है जो कि इस बार टारगेट किए गए हैं। आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद SSC कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, फिर आपको प्रिपरेशन में जाना है, और फिर आपको यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो आज के कोट ऑफ द डे देखते हैं। फॉर एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 seconds ऑफ हैप्पीनेस। देखो, दिन में 4-10 बार तो गुस्सा होते होंगे ना आप लोग, मुझे लगता है ऐसा। अगर देखो आप गुस्सा होते हो ना, तो हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और की वजह से गुस्सा रहे हो, लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा अगर आप शांति से सोचोगे ना, आप किसी दूसरों की वजह से गुस्सा नहीं होते हो, आप अपने खुद की वजह से गुस्सा होते हो। जब आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हो, जब आप, ये आपकी खुद की कमी है जो आपको गुस्सा दिलाती है उन बातों पे, जिन बातों पे गुस्सा आना भी नहीं चाहिए। दिन में 4 बार अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, थोड़े शांति से सोचिए एक बार कि अगले ने जो भी किया हो, क्या आपका गुस्सा करना उस पर जायज था कि नहीं था। गुस्सा अगर आप करते हो तो सबसे पहले अपने आप को ही सजा देते हो, क्योंकि सबसे पहले आप ही परेशान होते हो, आप ही टेंशन में आते हो, आप ही जो है आपका मूड खराब होता है।
आप सामने वाले को पनिश नहीं कर रहे हो यार, सामने वाला तो बहुत चिल आदमी होगा, हो सकता है उसको तो फर्क भी नहीं पड़े, इधर से सुने इधर से निकाल दे, वो तो अपना चिल है, आपसे सुनने के बाद दो मिनट बाद हंसते हुए निकल जाए। लेकिन सोचो आपने अपने साथ में क्या किया है। तो कोशिश क्या करो गाइज कि जो है थोड़ा सा खुश रहने की, कभी भी जब गुस्सा आता है तो उस मोमेंट पे जो है ना साइडलाइन हो लिया करो, कुछ बोलने की कोशिश मत किया करो, नहीं बोलोगे तो नहीं निकलेगा, समझ गए। अगर कुछ और सोचोगे, किसी और काम में अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे तो शायद आप थोड़ा सा ठंडा हो जाओ, उसके बाद जो है वो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है जो कि ये दिलाएगा। 50% प्रॉब्लम का सलूशन वहीं पर ही हो जाता है जब आप किसी भी जगह पे जहाँ पे गुस्सा नहीं करते हो, तो है ना 50% सलूशन वहीं पर ही उस प्रॉब्लम का हो जाता है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं आज के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले द हिंदू के फ्रंट पेज पे दोस्तों न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात करी गई है। रशिया यानी कि पुतिन साहब ने धमकी दे दी है वेस्टर्न कंट्रीज को कि अगर आप और इनको मदद करेंगे यूक्रेन को तो हम न्यूक्लियर तक जा सकते हैं। साथ में अभी जो टेरिटरी लॉस जो रशिया ने किया है यूक्रेन से उसको वापस से कंपनसेट करने के लिए दोस्तों रशिया ने 3,00,000 ट्रुप्स अपने जो रिजर्व के अंदर जो सेना थी उसको और आगे भेजने का फैसला ले लिया है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बताया गया सीआरपीएफ के चीफ के द्वारा कि बिहार में नक्सलाइट की प्रेजेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है ना। यहाँ पे दोस्तों ये टग ऑफ वॉर है स्कूल के अंदर। यहाँ पे आरएसएस चीफ ने जो है वो मुस्लिम के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करी है, ठीक है। यहाँ पे निजाम की तलवार के बारे में बात करी गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो ये आपका दोस्तों फ्रंट पेज है, ये और ये दो न्यूज है जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें डिस्कस करनी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूक्रेन है, पूरा का पूरा मैप में दिख रहा होगा आपको होपफुली, ठीक है, मैप में यूक्रेन दिख रहा है ना ये। तो यूक्रेन के अंदर ये वाला जो एरिया है ना ये भी एक्चुअली रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से दोस्तों यूक्रेन ने जो है ना वो यहां से पूरा का पूरा रशिया को धकेल दिया वापस से। अगर आप देखोगे एक बॉर्डर वाला पूरा एरिया ले लिया है, ये दिख रहे हो आपको, ये बॉर्डर वाला एरिया रशिया ने ले लिया, लेकिन इसके ऊपर का पार्ट जो है वो वापस से यूक्रेन ने कंट्रोल कर लिया। अब यूक्रेन धीरे धीरे रशिया को पीछे की तरफ पुश करता जा रहा है। अभी तक जो लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल दोनों के बीच में कॉमन ग्राउंड है, जो हथियार रशिया के पास है उससे बेहतर वेस्टर्न कंट्रीज से यूक्रेन को भी मिल रहे हैं, है ना। सेना के दोनों के पास बराबर है, सेना भी अच्छी खासी है, मतलब वैसे तो खैर बराबर है लेकिन बॉर्डर पे जो उतारी गई थी वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही चल रही थी। तो पुतिन ने दोस्तों यहां पे 3,000 रिजर्व जो है ना वो और यूक्रेन में फाइट करेंगे और एक प्लान बनाया वापस से उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और वेस्ट को बोला है कि वो न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकता है रशिया को डिफेंड करने के लिए। जब ये स्टेटमेंट आता है दोस्तों उसके बाद में जो है हल्ला मच जाता है, यूएसए यूरोप यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा स्टेटमेंट आता है कि ऐसी बहकी बातें ना करें, न्यूक्लियर वॉर पॉसिबल ही नहीं है, और न्यूक्लियर वॉर करोगे तो कोई भी दुनिया में नहीं बच पाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े इस चीज के ऊपर कि क्या आज की दुनिया में न्यूक्लियर वॉर पॉसिबल है क्या। मैंने कई 8 से 10 आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन सब जगह पे जो सारांश निकल के आया वो ये निकल के आया कि आज देशों के पास में, बहुत सारे देशों के पास में ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसमें से 90% तो रशिया और यूएसए के पास ही है, लेकिन आज के टाइम पे न्यूक्लियर वॉर पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला है तो पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो जाता है, फिर वहां पे जो बचाने वाले लोग होते हैं डॉक्टर नर्सेज हॉस्पिटल्स वो भी नहीं बचते हैं, तो जो बचाने वाले पूरे शहर में नहीं बचेंगे तो फिर कौन बच पाएगा। तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे न्यूक्लियर वॉर। ओके, तो पुतिन ने मोबिलाइज किए दोस्तों कई सारे ट्रुप्स और न्यूक्लियर थ्रेट भी जो है वो दिया है, और ये बोला ये कोई ब्लफ है जो कि नहीं है। आगे एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाई किया गया एरिया रशिया के द्वारा, और ये वाला एरिया जो है ना कार्की वाला ये रिक्लेम है जो कि यूक्रेन के द्वारा कर दिया गया। इमीडिएटली दोस्तों 3,00,000 रिजर्व जो है वो आर्मी में बुलाए गए रशिया के द्वारा, इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। मिलिट्री जो है वो स्पेसिफिक जॉब है जो कि देगी इन रिजर्विस्ट को, महिला और पुरुष जो 18 से 60 साल तक के हैं मतलब उनको बुलाया गया है। इनको पहले तो ट्रेन किया जाएगा जो करंटली 1,000 किलोमीटर की जो बॉर्डर है ना उसमें मेन सेना के साथ में है ना, फिजिकली डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करेंगे, पहले इनको ट्रेन करेंगे कई अलग अलग प्रोफेशनल सोल्जर्स के द्वारा, फिर उसके बाद में इनको यूज किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे किया गया है। अभी देखो जब आज तक हमने दो ही बार डिस्ट्रक्शन है जो कि न्यूक्लियर वॉर से देखे है ना, जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे अगस्त के अंदर जो है लिटिल बॉय और फैटमैन दो एटम बम गिराए गए थे, और क्या हुआ था उसके हालत वो पूरी दुनिया में मालूम है। जापान आज तक उस चीज को याद करके ट्रॉमा में चले जाता है। ये बात तो बहुत ही पुरानी है 1945 की, जब उस टाइम पे इनकी जो लिमिट थी ना, ओके, जो ये देखिए 15 KT 1945 में जो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे ना, तो इनकी कैपेसिटी थी लिटिल बॉय की 15 किलोटन की,
और फैट मैन की थी जो नागासाकी पे गिराया गया था 22 किलोटन। आज दोस्तों जो आज के न्यूक्लियर वेपन है उनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे ना तो देख रहे हो 300 से 400 गुना ज्यादा है। कहां 22 केटी और कहां 800 केटी, 400 गुना। रशिया के पास है 400 है और यूएस के पास में जो ट्राइडेंट है वो 450 किलोटन का है। पहले 15 और 20 किलोटन के डाले थे, पूरे शहर तबाह हो गए थे। सोचिए अगर इतने भयंकर पावर के हाइड्रोजन बॉम्ब और ये न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करे जाएंगे तो क्या कोई भी देश कभी बच पाएगा डिस्ट्रक्शन से? नहीं बच पाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर वॉर हो जाए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये कंपैरिजन किया गया है, रशिया के पास 6000 वेपन्स है, यूएस के पास 5500 वेपन्स है। डराने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कोई भी इनको यूज नहीं कर सकता। यूएस यूके की बात करें, कोई बाइडन जैसे, सॉरी क्या नाम है उसका, ट्रंप जैसा कोई सनकी आ जाए तो बात अलग है, बाकी तो पॉसिबल नहीं है। यूके 225, फ्रांस 230, इजराइल के पास में एम्बिग्यूस है, इजराइल वैसे 90 बताता है लेकिन इजराइल के बारे में किसी को एक्चुअली पता नहीं है इसके पास कितने। ये बोलता है जब युद्ध होगा तो बताऊंगा, ये भी कोई स्टेटमेंट हुआ यार, बड़े अजीब बात करता है। पाकिस्तान 165, इंडिया के पास 160, चाइना 350, नॉर्थ कोरिया के पास 20 है ना। और ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा है, लेकिन थ्योरेटिकली बताया जाता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है वैसे, है ना। हम लोग हमारे वेपन्स को कम ही बता के चलते हैं। तो हमारे 160 बता रखे लेकिन है एक्चुअली में ज्यादा। तो ये एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड है 2022 का, आप देख सकते हो मैक्सिमम 90% जो है 12-13-15 हजार के आसपास है, 14-15 हजार न्यूक्लियर वेपन्स, उसमें से मैक्सिमम तो 90% तो दोनों देश लेके बैठे हुए, यूएसए और रशिया लेके बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये जो एक बहुत ही स्नेक की शेप की एक तलवार आपको नजर आ रही होगी, ये तलवार दोस्तों 14th सेंचुरी की तलवार है, जो कि रिसेंटली जो कि एक हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल को दी गई थी 20th सेंचुरी में। उसके बाद ये तलवार इंडिया से बाहर चले गई। अभी रिसेंटली दोस्तों ग्लासगो लाइफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लासगो म्यूजियम को मैनेज करती है स्विट्जरलैंड में, उनके पास ये तलवार है जो कि पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे कई सारे दुनिया में, कभी यूके गए, यूके तो नहीं गए होंगे आप, कभी लंदन जाओगे ना तो लंदन वालों के वहां पे दोस्तों एक नेशनल म्यूजियम है जहां पे पूरी दुनिया से उन्होंने जो है ना, चाहे लड़ाई से जीती हो, चोरी करके जीती हो, जितने भी एंटिक्स हैं वो सारे अपनी गैलरी में डाल रखे हैं। उसको बोलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम माना जाता है अगर मैं एंटिक चीज़ों की बात करूँ तो। उन्होंने लंदन के अंदर दुनिया के सारे चाइनीज, मतलब उन्होंने एक म्यूजियम बना रखा है जिसमें अलग अलग है, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन का अलग एरिया, इंडस का अलग है, बुद्धिज्म का अलग है, जैनिज्म का अलग है, इस्लामिक का अलग है ना, गल्फ का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। तो पूरी दुनिया से ब्रिटिशर्स तो पूरे करते क्या थे, ये तो करते थे सामान उठा के लाओ अपने देश में बसाओ। तो कई सारे ऐसे एंटिक है ना, जैसे गौतम बुद्ध की हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी मूर्ति थी वो ले गए उठा के, पूरी दुनिया का सामान उठा के एक गैलरी में डाल रखा है उन्होंने, समझ गए। तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इनका खुद का तो कोई हजार साल पुराना कोई ज्यादा ऐसा भव्य इनका रहा नहीं, बस रोमन और ग्रीक का एक कल्चर हुआ करता था, थोड़ा बहुत छोटे से एरिया में था वो भी, तो इनका इतना पुराना एशियन सिविलाइजेशन तो रही नहीं है। तो लेकिन इन्होंने रूल जो किया इससे तो पूरी दुनिया का ये लोग उठा के ले आते थे। अभी भी अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से कई सारी चीजें लेके चले गए थे, अब धीरे धीरे हम लोग उनको रिक्लेम करते रहते हैं। तो वैसे ये तलवार भी आप देख सकते हो है ना, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ी हुई है, ऐसा बोला जाता है कि खो गई थी। कई लोग बोलते हैं कि महाराजा किशन प्रसाद जो थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने गिफ्ट में दे दी थी गवर्नर जनरल को। कई लोग बोलते हैं उन्होंने बेच दी थी, अब यार वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद का था तो उसके पास पैसों की तो कमी थी नहीं, तो बेचने का सवाल थोड़ा मुश्किल है। 1905 के अंदर ये लाई गई थी, 1905 के अंदर जनरल सर आर्चबेल्ड हंटर करके थे जो कि बॉम्बे कमांड के हेड थे, उन्होंने महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर यामिन से दोस्तों ये ली थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे हैदराबाद के हुआ करते थे। कई लोग बोलते हैं कि डोनेट की थी, कई लोग बोलते हैं परचेज करी थी। तो 1978 के बाद से दोस्तों ये म्यूजियम के अंदर ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले म्यूजियम का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से महबूब अली खान जो असफ जहां 6th थे, जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे 1896 से 1911 है ना, उनके टाइम पे ये स्वॉर्ड, ये तलवार थी। उसके बाद में 1903 के अंदर दिल्ली दरबार हुआ, वहां पर भी इसको रखी गई, क्वीन अलेक्जेंड्रा और किंग एडवर्ड आए हुए थे। उसके बाद में सलर जंग म्यूजियम जो हैदराबाद में, जहाँ पे रिपोजिटरी ऐसी कई सारी तलवारों की रखी गई है, उन्होंने भी बताया कि ये जो तलवार थी वो किसके द्वारा, किशन प्रसाद जी के द्वारा दी गई थी, किसके, उस टाइम के ब्रिटिश को, ब्रिटिश काउंसिल को, और फिर ये इंडिया के बाहर चली गई। तो वो चीजें यहाँ पे इसके अंदर बताई गई है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जब भी आप असफ जहां सुनते हैं ना, ये वर्ड आपको हमेशा पता होना चाहिए एक्चुअली वर्ड है क्या, ये निजाम बने कैसे थे। देखो निजाम जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग रूलर नहीं थे, निजाम एक नवाब हुआ करते थे, है ना, एक पोजीशन हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत, डेक्कन सल्तनत के टाइम पे। डेक्कन सल्तनत भी उस टाइम पे, डेक्कन सल्तनत भी उस टाइम पे मुगलों के अंडर में काम करती थी। तो मुगल वीक हुए औरंगजेब के बाद में, डेक्कन सल्तनत भी वीक हो गई, तो उसी में से एक प्रिंसली स्टेट है जो कि अलग निकल गया, है ना। नवाब था तो उसने अपने आप को निजाम बनाया और उसका नाम था असफ जहां, समझ गए। तो असफ जहां से दोस्तों उसकी शुरुआत है जो कि निजाम की हो जाती है। तो निजाम जो है ये रूलर थे दोस्तों हैदराबाद के 18 सेंचुरी से 20वीं शताब्दी तक। और ये देखिए असफ जहां जो है उन्होंने ही ये निजाम वर्ड है जो कि यूज किया, ये मोनार्क है जो कि हैदराबाद स्टेट के हुआ करते थे उस टाइम पे। हैदराबाद स्टेट दोस्तों आज का अपना तेलंगाना, मराठावाड़ा, है ना, कल्याण कर्नाटका वाला जो एरिया है, तो यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, ये पूरा जो एरिया है ना, इसका थोड़ा थोड़ा एरिया जो है वो हैदराबाद स्टेट है जो कि हुआ करता था। तो निजाम एक शॉर्ट वर्ड है निजाम उल मुल्क का, जो कि मीनिंग होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रियल। जो एडमिनिस्ट्रेटर था सबसे पहले कौन था, असफ जहां प्रथम था। असफ जहां के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटर का रोल लिया गया जिसने अपने आप को निजाम बोला, ठीक है। ये पहले नवाब हुआ करता था डक्कन सल्तनत में जो कि मुगलों के अंडर में थी, और उसके बाद में जैसे जैसे मुगल वीक होते चले गए, डक्कन सल्तनत वीक होती चली गई, बाद में फिर डक्कन सल्तनत चली गई मराठास के पास में, तो मराठा के अंदर भी दोस्तों कई टाइम तक हैदराबाद स्टेट है जो कि रहा। कई सारी वॉर है जो कि इन्होंने हारी थी उनसे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुगल एम्पायर जो था 1713 से 1721 उस टाइम पे डक्कन सल्तनत के अंडर में थे। उसके बाद में औरंगजेब के मरने के बाद में बहुत ही वीक हो गया और ऑलमोस्ट असफ जहां जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था मुगल एम्पायर से, ओके। उसके बाद में मराठास के अंडर में आ गए क्योंकि कई सारे बैटल ये मराठास से हार चुके थे। तो इस तरीके से नवाब का इतिहास है जो कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, निजाम का इतिहास, सॉरी, ठीक है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, ठीक है, एक बार शेयर कर देना वीडियो को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो के बारे में। देखो, है ना, इसरो जब भी कोई अमेजिंग काम करता है तो हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पे बात करेंगे इसरो की। इसके अलावा तो फ्रंट इस वाले पेज पे, पेज नंबर 6 पे कुछ भी नहीं है। तो अभी रिसेंटली इसरो ने जो है दोस्तों डेमोस्ट्रेट किया है एक नई टेक्नोलॉजी, एक हाइब्रिड प्रोपल्जन सिस्टम। हाइब्रिड प्रोपल्जन सिस्टम जो है दोस्तों ये क्या यूज करेगा, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड प्रोपल्जन सिस्टम सॉलिड तो फ्यूल काम में लेगा प्लस लिक्विड ऑक्सीडाइजर काम में लेगा, ठीक है। ये दो वर्ड ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे इसको ऊपर नीचे करके कि अभी रिसेंटली जो हमने हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन, प्रोपल्जन सिस्टम जो रॉकेट को ऊपर लेके जाने का काम करता है, समझ गए। तो हमने फ्यूचर के लिए दोस्तों क्या किया है, हाइब्रिड बनाया है। अब हाइब्रिड से क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, एक तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ग्रीनर होगा, है ना, इसको सेफ होगा हैंडल करना, समझ गए। और फ्यूचर में जो हमारे मिशन होंगे वो थोड़े सस्ते भी हो जाएंगे। तो ये तीन बेनिफिट्स हैं इसके जो कि इसरो ने अभी किया है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए, समझ गए मेरी बात। तो हमारे लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर है वहां पर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर, वहां पर इसको डेमोस्ट्रेट है जो कि किया गया है, ओके गाइज। ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे आपसे, है ना, ये सॉलिड फ्यूल है और लिक्विड ऑक्सीडाइजर है। मैप में आप देख सकते हैं ये सॉलिड फ्यूल है और ये आपके लिक्विड ऑक्सीडाइजर है जो कि इसको ऊपर ले जाने का काम करते हैं। पेलोड आपके टॉप वाले एरिया में होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना आपके जो सैटेलाइट जो होती है वो इसी वाले एरिया में होती है, टॉप वाले पोर्शन में। नीचे वाला तो हटता चले जाता है जैसे जैसे रॉकेट आपका ऊपर चले जाता है, क्योंकि वही इसको ऊपर ले जाने का काम करता है। यहाँ पे बूस्टर्स लगे होते हैं, बूस्टर इनिशियली ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद में ये फ्यूल काम में आता है। देखिए सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है ना, इस तरीके से। तो अभी हमने सॉलिड फ्यूल काम में लेंगे और लिक्विड ऑक्सीडाइजर यहाँ पे काम में लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 12 पे। यहाँ पे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करेंगे। पीएम केयर्स फंड की बात करें दोस्तों तो पीएम केयर का जो फंड है उसके ट्रस्टीज के अंदर दो बड़े नाम है जो कि रिसेंटली एड ऑन करे गए हैं। आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों कि पीएम केयर फंड के ऊपर काफी जो है वो उंगलियां उठी थी, बिकॉज पहले तो बोला गया कि भाई जनता हेल्प करे, पीएम केयर फंड सरकारी है सरकारी है, लोगों ने पैसा दे दिया। उसके बाद में फिर जब आरटीआई लगाई तो बोला नहीं नहीं ये तो सरकारी है ही नहीं है, तो ठीक है, तो आरटीआई में जवाब देने से मना कर दिया। तो काफी जो है वो सवाल है जो कि खड़े हो गए थे। इनफैक्ट पहले भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे पीएम रिलीफ फंड था, उसको हटा के उसको साइडलाइन करके दूसरा फंड है जो कि बनाया गया था कोविड के टाइम पे बनाया गया। अब क्या होता है देखो कि कोई भी इस तरीके का फंड होता है तो उसके कुछ ट्रस्टीज होते हैं, एडवाइजर ग्रुप होता है। तो यहाँ पे रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने दोस्तों अपॉइंटमेंट किया है हमारे रतन टाटा जी को, पहले बड़ा नाम,
और दूसरा है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे केटी थॉमस को, ओके, और साथ में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करिया मुंद्रा, इन तीनों को एज ए ट्रस्टी के तौर पे दोस्तों पीएम केयर में इंक्लूड किया है। तीन नाम है, रतन टाटा है, केटी थॉमस है और करिया मुंद्रा है। ये ट्रस्टीज है जो कि पीएम केयर फंड के बनाए गए हैं। रिसेंटली मीटिंग हुई थी, नए मेंबर्स और नए ट्रस्टीज है जो कि अपॉइंट करे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यूनियन होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये तो ऑलरेडी मीटिंग के अंदर भी थे और प्राइम मिनिस्टर है जो कि इसको चेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ट्रस्टीज जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से पर्सन को जो है एडवाइजरी ग्रुप में, एडवाइजरी बोर्ड के अंदर है जो कि डाला जाएगा। तो एडवाइजरी बोर्ड में तो राजीव महर्षि है, साथ में सुधा मूर्ति है, आनंद शाह है और पिरामल फाउंडेशन के हेड है फॉर्मर, है ना। तो ये कुछ लोग हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। तो आपको तो बस यहाँ पे जो ट्रस्टीज है उनका ही नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है, पेपर में यही पूछेंगे, है ना। पीएम केयर्स फंड की बात करें तो इसलिए स्पेशली कोविड के लिए इसको बनाया गया था। क्या इसके बेनिफिट्स थे दोस्तों? इसके अंदर बेनिफिट्स थे कि जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को अपने घर में सिंगल पेरेंट या दोनों पेरेंट्स या जो भी केयर टेकर थे, अगर उनकी डेथ हो गई है तो कौन उनको संभालेगा, तो पीएम केयर फंड में उनको हेल्प देने की बात करी गई थी। नंबर दोस्तों इसमें जो बच्चों का पूरा लिया गया वो 1.5 लाख के आसपास लिया गया, जबकि नंबर वैसे बहुत ही ज्यादा था, कम से कम 2-3 मिलियन लोगों की दोस्तों हमारे देश में डेथ हुई थी, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो हमेशा कम ही होता है। तो 1.5 लाख बच्चों का यहाँ पे आंकड़ा है जो कि पीएम केयर को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथली स्टाइपेंड देने के लिए बोला गया था जब वो 18 साल के हो जाएंगे, और 10 लाख रुपए देने के लिए बोला गया जब वो 23 साल के हो जाएंगे। इसके अलावा फ्री एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय और जैसे भी सरकारी स्कूल है उनमें पीएम केयर फंड के अंदर हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा उनको, है ना, पीएम केयर उनका इंटरेस्ट है जो कि देगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का, आयुष्मान भारत के 18 साल होने तक। इसके अलावा ठीक है, ये सारे के सारे बेनिफिट है जो कि उसके अंदर दिए गए। अब इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसका फुल नेम है जो कि रखा गया पीएम केयर्स फंड, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है गाइस, चेयरमैन कौन है इसमें? प्राइम मिनिस्टर है। अदर मेंबर में डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी इसके अलावा 3 और नए ट्रस्टीज हैं जो कि इसमें बताए जाते हैं, समझ गए। चलिए इसी प्रकार का इसी के अंदर दोस्तों सीएसआर को भी ऐड कर दिया गया था कि कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, ओके, तो क्या होता है अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा की है और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा का है 3 साल तक, तो उसका जो 2% प्रॉफिट होगा वो हमेशा कहां जाएगा? सीएसआर एक्टिविटीज में। तो सीएसआर एक्टिविटी वाला पैसा भी पीएम केयर में अलाउ है जो कि कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। क्या इस तरीके का कोई दूसरा भी फंड था? बिल्कुल था दोस्तों। इसको पहले बोलते थे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएम एनआरएफ। ये दोस्तों 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था, दंगे फसाद हुए थे, बहुत डिस्ट्रेस था, ड्रॉट आया कई बार, है ना, तो साइक्लोन्स आए, अर्थक्वेक्स आए, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर ट्रीटमेंट, एसिड अटैक, इन सब के अंदर भी इस पैसों से काम में लिया जाता है। ठीक है गाइस, इसको कोई बजटरी सपोर्ट सरकार के द्वारा कोई बजट नहीं देता था, इसको जो लोग पैसे देते थे उसी पैसों को जो है बाकी काम में लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 14। यहां पे बात करेंगे सोलर को लेकर। तो सरकार ने दोस्तों सोलर को आगे बढ़ाने के लिए सोलर पैनल को इंसेंटिवाइज किया है पीएलआई स्कीम के तहत, 19,500 करोड़ रुपए के तौर पे अनाउंसमेंट है जो कि करे हैं, बहुत ही अच्छी न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे, साथ में राजेश श्रीवास्तव के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, देखो 19,500 करोड़ रुपए का पीएलआई प्लान लाया गया, किस लिए लाया गया है? ताकि सोलर सेल की जो यूनिट है ना वो हम लोग बना सके। अब आप बोलोगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे यहां पे तो सोलर में हम लोग ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी बढ़ रही है, तो ये फिर अलग से पीएलआई स्कीम लाने की क्या जरूरत पड़ी? बात बिल्कुल सही है, हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है विजय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम लोग है ना सोलर एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी खासी भी कर रहे हैं। मैं आपको नंबर भी बता देता हूं कितनी कर चुके हैं हम लोग। हाँ ये देखो, हमने 50 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी पास कर ली 2022 में। टारगेट क्या है दोस्तों हमारा? हमें 300 गीगावाट 2030 तक पार करनी है। टोटल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, जिसमें से 300 का तो हमने सोलर से जो है वो टारगेट रखा है 2030 तक का। ये दोनों नंबर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। ठीक है गाइस, चलिए करेंटली 6.5% ग्लोबल कैपेसिटी जो है ना उसका हम लोग ही जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं।
प्रॉब्लम क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे है, बैकहेंड वाली प्रॉब्लम है। हमने बिल्डिंग बना दी है लेकिन जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत ही वीक है। प्रॉब्लम है दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द सोलर वैल्यू चेन सिस्टम। जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको छोटे छोटे से जो मॉड्यूल चाहिए होते हैं, जो वेफर्स चाहिए होते हैं ना, ये पॉलीसिलिकॉन चाहिए होता है जिससे आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, ये सारे के सारे दोस्तों चाइना से आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई कैपेसिटी ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की है। 21-22 के अंदर हमने 76 बिलियन डॉलर के दोस्तों इंपोर्ट करवाया सोलर सेल को और मॉड्यूल्स को चाइना से। सोलर लगा हम रहे, प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? चाइना कमा रहा है। नौकरियां कहां उत्पन्न हो रही है? चाइना में हो रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 78% हमने जो टोटल इंपोर्ट करवाया ना, वो पूरा चाइना से करवाया माल। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई जैसे कि ब्रिटिशर्स नहीं करते थे कि हमारे यहां से सामान ले जाते, वहां पे बनाते, फिर इंडिया को बेचते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूस तो यहां कर रहे हैं एनर्जी तो, लेकिन सामान पूरा वहां से आ रहा है। ओके, जिससे हमें ज्यादा भी पैसे देने पड़ते हैं। अब देखिए चाइना का बेनिफिट क्या है। एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बहुत अच्छी है, सस्ते में मिलता है, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना रखा है। ओके, इससे जो इंपोर्ट है वो भी काफी चीपर हो जाता है। तो हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ही अनकम्पिटेटिव हो चुका है मार्केट में। इसी प्रॉब्लम को दोस्तों विटनेस करने के लिए 19,500 करोड़ का ये फंड है जो कि जारी किया गया है PLI स्कीम के अंदर, ताकि हम लोग क्या कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। समझ गए, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है जो मैन्युफैक्चर करेंगे डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल। ओके, ताकि हम लोग हमारे इंपोर्ट को जो है वो कम कर सकें। अभी देखिए हमें मदद मिलेगी, 1.37 ट्रिलियन रुपए की मदद मिलेगी इंपोर्ट में अगर हम इसको कर देते हैं तो। तो मिनिस्ट्री ऑफ रियो एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एंटिसिपेट किया कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे 94,000 करोड़ का इस प्रोजेक्ट के लिए। और इस तरीके के जो मॉड्यूल्स जो सोलर के लगते हैं, ये सारे हम लोग खुद है जो कि प्रोड्यूस करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। ये देखिए पॉलीसिलिकॉन के सेल्स हो गए, इगॉट्स हो गए, वेफर्स हो गए, पैनल्स हो गए, इन सबको यहाँ पर असेंबल करके बना के हम लोग काम में लेंगे। आने वाले 5 साल तक का टारगेट है जो कि रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो यही पूरी की पूरी बात है जो कि इसके अंदर बोली गई थी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि राजू श्रीवास्तव को लेकर है दोस्तों। 58 की उम्र में कल राजू श्रीवास्तव को जो है वो हार्ट अटैक आ गया। एक महीने से काफी परेशान थे, हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पे थे दिल्ली के अंदर एम्स में, और फाइनली कल इनकी डेथ हो गई। बहुत ही अमेजिंग कॉमेडियन अपने टाइम पे। आज तो चलो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही कॉमन हो गई है, लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट करी थी, जो हमारा टाइम था जब हम स्कूल में थे, है ना, तब उस टाइम पे इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करी थी। और सबके मिमिक्री और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो हमारे आसपास जो ऐसे लोग होते हैं, है ना, वैसे उनको डिराइव करके जो रियल एक्सपीरियंसेस है उनसे इन्होंने कॉमेडी बनाई। गजोदर भैया का एक बहुत ही फेमस इनका एक वो था, एक पर्सन था जिससे कॉमेडी नाइट आया, क्या था पहले, लाफ्टर चैलेंज आया करता था, उसके विजेता भी रहे थे बहुत टाइम पहले आया करता था, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग कॉमेडियन थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। और 2015-16 में 14 में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, 19 में बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद में चेयरपर्सन थे यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के। ओके, मैंने प्यार किया गया, बाजीगर टू जर्नी, बॉम्बे टू गोवा, ऐसी कई सारी मूवीज इन्होंने करी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, बाबा रामदेव का, कि कई लोगों की बहुत ही अमेजिंग मिमिक्री है जो कि किया करते थे। ओके, बहुत ही कम उम्र के अंदर जो है वो चले गए। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस में बात करेंगे तो फ्रंट पेज पे तो कुछ खास नहीं है, यह है एक और न्यूज, वर्ल्ड कार फ्री डे। तो 22 सितंबर आज के दिन दोस्तों वर्ल्ड कार फ्री डे भी मनाया जाता है। कार फ्री डे का मतलब है कि कार को आज के दिन अवेयरनेस कैंपेन यूज किया जाता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही काम में लो। देखो टेक्नोलॉजी का जो फायदा ये होता है कि जब जितनी जरूरत है ना उतना ही काम में लेना चाहिए, तभी टेक्नोलॉजी का फायदा है। अदरवाइज वो टेक्नोलॉजी क्या करती है, नुकसान ज्यादा करने लगती है। अब वही वाली बात है, चार दोस्त आप जा रहे हो एक जगह पे, फिर भी चार अलग अलग गाड़ी लेके जा रहे हो, कोशिश होनी चाहिए एक में बैठ के चले जाओ, तो क्या होगा, एनर्जी बचेगी, साथ में पेट्रोल बचेगा, एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार पूलिंग। समझ गए, ठीक है। अगर ऑफिस जा रहे हो एक ही लेन में तो साथ में लेते हुए चले जाओ। साइकिलिंग दोस्तों, अगर मौसम अच्छा है तो साइकिलिंग प्रेफर कर सकते हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इसके अंदर देखो मैं जनता का जो पार्टिसिपेशन है ना इन वाले मैटर्स के अंदर, वो तब होता है तब सरकार का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो। अब मान लीजिए सारे मंत्री जी साइकिल पे आ रहे हैं, गाड़ियां बंद कर दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सुधार दिया है, मेट्रो चल रही है, ट्रैम चल रही है ना, और कार पुलिंग एक हैबिट बन रही है लोगों की, तो फिर जनता भी क्या है धीरे धीरे उस चीज़ में मोल्ड होती है। तो इस इन ऐसे वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन से। पब्लिक पार्टिसिपेट तब करती है तब गवर्नमेंट उसको एग्रेसिवली अप्लाई करती है। समझ गए, तो इसी तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स है जो कि ले रही है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर, है ना। चलो
आगे बात करते हैं हाइपर टेंशन को लेकर। ठीक है, नाम सुन के ही काफी सारे बच्चों को लगा होगा टेंशन की बात चालू हो गई। देखो, टेंशन में हमें अवार्ड मिला है। अब ये मत सोचना कि हम टेंशन ज्यादा लेते हैं इसकी वजह से हमें अवार्ड मिला है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग ने दोस्तों जो प्रोग्राम लॉन्च किया था हाइपर टेंशन के ऊपर वेलफेयर के लिए, उसके लिए हमें दोस्तों यूएन का अवार्ड है जो कि मिला है। तो इंडिया का जो लार्ज स्केल प्रोग्राम था जिसमें हमने हाइपर टेंशन ट्रीटमेंट को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, है ना, हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसको बोला गया था HICI, ये इनिशिएटिव का नाम दिया गया था। इसको दोस्तों क्या मिला है, यूएन अवार्ड है जो कि मिला है, समझ गए, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट है जो कि किया है। ठीक है, अब देखिए ये हाइपरटेंशन होता क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। देखो, आपके ये आपके हार्ट है ना, यहां पे तो हार्ट में जब आर्टरीज होती है जहां से आपका ब्लड जा रहा होता है, तब जब आपके आर्टरीज के ऊपर ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, ज्यादा प्रेशर आपके आर्टरीज के ऊपर लगना चालू हो जाए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट है और ये आपका आर्टरीज है, और ये प्रेशर जब ज्यादा लगने लग जाए ना, तो क्या होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है जो कि हो जाती है। ब्लड प्रेशर ज्यादा लगने लग जाए, अब ज्यादा लगने का कारण क्या होगा, पहला कारण तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट की जो आपकी पाइप है ना, पाइप में दोस्तों जगह नहीं बची है, इतना समोसे कचोरी खाए, इतना तेल वेल खाया, घी खाया, इतना कोलेस्ट्रॉल जमा कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल जमा आपके आर्टरीज में हो गया है। अब बेचारा ब्लड यहाँ पे जाएगा तो कैसे जाएगा, अंदर से जगह नहीं बची है, तो वो तो प्रेशर मारेगा ही मारेगा, वो तो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स करेगा, और फोर्स करेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते किसी दिन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बेचारा जो है रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में जो है वो फ्लो करेगा और हार्ट फेल हो जाएगा और अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन से दोस्तों बचने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना पड़ता है। एक बच्चा बोल रहा है, सर रिच लोग ही हार्ट अटैक के शिकार क्यों होते हैं। देखो अमरीश, मैंने पहले भी कई बार बोला देखो दुनिया की एक प्रॉब्लम है, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, एक सवाल तो बहुत गहराई वाला पूछ लिया आपने, दुनिया की एक समस्या है कि सबसे पहले दुनिया को क्या चाहिए लाइफ में, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नेसेसिटी समझ में आता है। उसके बाद में दुनिया को क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए गाड़ी, बड़ा घर, है ना, और बड़ा ऑफिस, ये सब चाहिए। उसके बाद इंसान को क्या चाहिए, बड़ा नाम, बड़ा काम, और बहुत बड़े अमीरों के लिस्ट में आना। उसके बाद दोस्तों फिर पता नहीं इंसान को और क्या चाहिए उसके बाद भी ये अगर कोई इन स्टेज पे भी क्लियर कर लेता है, उसके बाद में भी उसको और बड़ा नाम और बड़ा काम और बड़ा पैसा, और यहीं पर ही दोस्तों लाइफ आ जाती है एंड पॉइंट के ऊपर, जहां पर इंसान की हो जाती है डेथ। अब इस पूरी साइकिल में आप खुद सोचिए, इंसान जो है वो कहां पर बेचारा शांति से 5 मिनट बैठ पाया, है ना, टेंशन 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 टेंशन, यहां पे भी टेंशन, यहां पे भी टेंशन, यहां पे भी टेंशन। अब इस चक्कर में क्या होता है, इंसान अपनी हेल्थ, अपने परिवार, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हॉबीज, ओके, इन सबको जो है वो सेक्रीफाइस करते हुए चले जाता है, अपनी सोसाइटी, अपने अच्छे काम, इन सबको बेचारा वो साइडलाइन करते हुए चले जाता है, और यही चीजें हैं जो कि उसको एक अच्छी लाइफ देती है, लेकिन उसको लगता है पैसा इज एवरीथिंग तो वो टेंशन टेंशन टेंशन, और उसके बाद हाइपरटेंशन, और उसके बाद हार्ट अटैक, है ना। तो ये समस्या है दोस्तों, इसी वजह से अमीर लोग ज्यादा शिकार होते हैं, गरीब लोग कम होते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम उनके होती नहीं, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि नहीं होती है, समझ गए, उनके अलग तरीके की समस्याएं हैं और यहाँ पे अलग तरीके की समस्याएं हैं। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे जिंदगी में। मेरे को लगता है कि अगर आप थोड़ा सा पैसों में कॉम्प्रोमाइज करके अगर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे और अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देंगे तो ज्यादा बेटर है। आपके पास 1,000 रुपये अकाउंट में हो, 900 रुपये हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, तो हमेशा लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी दो अपनी हेल्थ को, फिर अपने रिलेशनशिप को, फिर अपने दोस्तों, काम, अपने पैसा, जो भी आपको करना है वो सब। ऑलराइट, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हाइपरटेंशन की बात कर ली, आप देख सकते हो ये दोस्तों हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। नियरली 23% दोस्तों लोग जो हैं उनके अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ओके, 2.5 करोड़ अगर हम लोग इंडिविजुअल को अगर हम लोग बचा ले दोस्तों ब्लड प्रेशर से,
तो 5 लाख डेथ जो है ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती है आने वाले 10 सालों में, उनको हम बचा पाएंगे, समझ गए। और ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये कोई फ्लड या साइक्लोन नहीं है, ये आपकी हमारी बेसिक सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल 140 mm of Hg से बढ़ जाएगा है ना, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर में, तब उसको हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन है, जो कि कहते हैं हाइपरटेंशन सिचुएशन। दोस्तों सबसे ज्यादा केरला में 32% और महिलाओं में 30% केरला में ही देखने को मिलती है, क्योंकि केरला के अंदर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ही ज्यादा है ना। आपको केरला में हर जगह जो है गाड़ी भाई चलाएगा ऐसे वाले लोग हर रोड के ऊपर देखने को मिलेंगे, लोकल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो अल्कोहल कंजप्शन करोगे तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम तो होगी होगी, साथ में आपका लिवर भी जाएगा, लिवर जाएगा तो बाकी ऑर्गन भी जाएंगे, वो एक समस्या है, जिसके वजह से हाईएस्ट नंबर वहीं पर ही है, उसके बाद में तेलंगाना में है ना। हाइपरटेंशन हमारे यहाँ पे महिलाओं में 21% और पुरुषों में 24% की समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, कभी भी जिंदगी में अगर इस तरीके की चलो आपकी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपसे हैंडल ही नहीं हो रही है, बहुत ही टेंशन है, डिप्रेशन है, 10 दिन का विपासना सेंटर ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं जिनके जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ का कोई वो नहीं होता, कोई डॉक्टर सही नहीं कर सकता उसको इतनी प्रॉब्लम में। तो आपके चाहे प्रॉब्लम हो या नहीं हो, मेरा मानना है हमेशा एक बार जो है विपासना सेंटर जरूर जाके आना, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस, आपके टेंशन फ्री करना आपको रखना, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए ये आपके 1000 प्रॉब्लम का एक समाधान है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे IHCI, तो ये प्रोग्राम 2017 में लॉन्च किया गया था, 26 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, सबसे पहले 5 राज्यों के अंदर, उसके बाद में से 52 डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्टेट गवर्नमेंट, WHO सब ने मिलकर 5 साल का इनिशिएटिव चलाया था। 25x25 गोल है जो कि हमने रखा था कि हम लोग 25% क्या करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जो मृत्यु होती है उनको 2025 तक रिड्यूस करेंगे, समझ गए मेरी बात, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी 25% रिड्यूस करेंगे। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से क्या मिला है, अभी हमें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, वही वाली कहानी चल रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। हमारे यहाँ पे दोस्तों 66% जो भी डेथ होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हुई 2019 में, ऐसा WHO के द्वारा दोस्तों बताया गया है। एवरी ईयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना वो 17 मिलियन लोगों की जान, कितना हो गया, 1.7 करोड़ लोगों की जान है जो कि 70 साल से कम उम्र के लोगों के ले लेते हैं, जिसमें मेजरली दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर कौन कौन सी आती है, वही हार्ट की समस्या, दिल की समस्या, जो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती, वायरस बैक्टीरिया तो ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये कम्युनिकेबल होते हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं जो कि आपने खुद ने ही पैदा करी है वो समस्याएं मेजरली नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 194 कंट्रीज का डाटा निकाला गया, जिसमें से 1.7 करोड़ लाइफ के बारे में बताया गया। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है इसमें ज्यादा है, 86% डेथ जो है, ये देखिए लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में से 66% जो डेथ है वो हमारे यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से है। 25 लाख डेथ हुई है कार्डियोवास्कुलर की वजह से, 9 लाख हुई है कैंसर, 11 लाख हुई है रेस्पिरेटरी और 3.5 लाख हुई है डायबिटीज। नंबर कितना हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया, तो कोई 50 लाख के आसपास पहुंच गया, ओके तो काफी बड़ा नंबर है मतलब। तो ये आपसे डेटा पेपर में पूछते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि बताइए कितना परसेंट लोगों की डेथ होती है, टोटल कितने हुए, सबसे ज्यादा कारण कौन सा है, कार्डियोवास्कुलर है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब ये कार्डियोवास्कुलर से बचने का रेस्पिरेटरी, देखो इसमें से तीन चीजें से तो बचने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, ये तो तीन है ना, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और आपके डायबिटीज, सिर्फ एक क्या, डेली एक्सरसाइज, ये काम कर लो आपकी तीनों प्रॉब्लम से बच जाओगे। अब कैंसर तो चलो ठीक है वो तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीजें बस में है वो तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं अमेजोन को लेकर। अमेजोन के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों, जेफ बेजोस को रिसेंटली अभी अडानी जी ने पीछे किया है नेटवर्थ के अंदर, और अडानी अमेजोन आपके डिलीवरी करने का काम करती है प्रोडक्ट्स को घर पे, है ना। लेकिन अमेजोन ने दोस्तों एक और काम करती है जो लोगों को नहीं पता हुआ है, उनके सोलर को लेकर, उनके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने को लेकर। तो अमेजोन ने रिसेंटली जो है ना वो 3 सोलर फार्म है जो कि राजस्थान में सेटअप कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी है 420 मेगावाट। ओके, फर्स्ट टाइम होगा कि ई कॉमर्स कंपनी इंडिया के अंदर सोलर फार्म है जो कि बना रही है। 210 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है 420 में से, वो रिन्यू पावर के साथ में, 100 मेगावाट का एम्प एनर्जी के साथ में और 110 मेगावाट का
ब्रुकफील्ड एनर्जी रिन्यूएबल पार्टनर्स के साथ में मिलकर है जो कि ये बना रहे हैं। टोटल मिला के 23 न्यू सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है जिनकी कैपेसिटी दोस्तों नियर बाय 4 मेगावाट के पावर के साथ में 14 राज्यों में छोटे छोटे 14 सिटीज के अंदर जो कि ये लोग बनाने वाले हैं। छोटे छोटे से प्रोजेक्ट भी कई सारे 23 नए ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। और भी किसके अलावा 420 मेगावाट के अलावा जो कि एडिशनली नियर बाय 4 मेगावाट का और प्रोडक्शन है जो कि 23 सिटीज के अंदर ये लोग करेंगे। कुल मिला के टोटल मिला के जो है वो इनका काफी अच्छा कैपेसिटी है जो कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजकल कई सारे कंट्रीज में अमेजोन ने काम है जो कि स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा, ग्रीन जॉब्स भी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एनर्जी भी प्रोडक्शन होगा, है ना। तो कुल मिला के जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उतने के अंदर 3 से 4 लाख घरों के ऊपर बिजली है जो कि मिल सकती है। तो ये इनिशिएटिव है जो कि राजस्थान में अमेजॉन के द्वारा किया जा रहा है। अमेजॉन 20 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है जो कि 14 सिटीज में इंडिया में लेके आ रहा है। 379 टोटल दोस्तों प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके दुनिया के 21 कंट्रीज के अंदर। इंडिया में अभी हमारे यहाँ पे 420 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि 3 के साथ में मिलकर कर रहा है। साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, कई जगह पे दोस्तों अमेजॉन कर रहा है। आगे बात करते हैं मून लाइटिंग को लेकर। ये मून लाइटिंग क्या होता है? हाँ बिल्कुल चंदन, राजस्थान में सनलाइट ज्यादा होती है इसलिए सोलर सक्सेसफुल है। देखो मून लाइटिंग क्या होता है, कई लोग जो है ना आईटी कंपनी में जब अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे कि एक कंपनी का काम करके फिर अपने दूसरी कंपनी का भी काम कर रहे थे जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, है ना, या फिर खुद के प्रोजेक्ट चला रखे थे लोगों ने। डबल डबल काम करने की कोशिश कर रहे थे टाइम बचा के वर्क फ्रॉम होम से। ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज किया गया मून लाइटिंग, है ना, यानी कि मून की लाइट चालू होते ही दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट चालू हो गया। ऐसे दोस्तों 300 लोगों को विप्रो के द्वारा जो है वो निकाल दिया गया, ओके, तो फायर कर दिया गया क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स के लिए आते सेम टाइम में जो कि काम कर रहे थे। रशीद प्रेम जी जो विप्रो के चेयरपर्सन है उनका रिसेंटली दोस्तों ये स्टेटमेंट आया, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने इसको फेवर किया, ओके, लेकिन मून लाइटनिंग इस वर्ड के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ओके गाइस। 300 लोगों को यहाँ पे फायर किया गया। जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले 2022 के गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार, गोलकीपर गोल्स पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो यहाँ पे भारत की राधिका बत्रा है, अफगानिस्तान की जारा है, युगांडा की वेनेसा है और यूरोपियन संघ की प्रमुख है दोस्तों उर्सेला। इन चारों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों सम्मानित किया गया। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स है जो कि न्यूयॉर्क के लिंकन सेक्टर में दोस्तों इनको दिए गए हैं, समझ गए। तो इन्होंने जिस तरीके से अलग अलग जगह पे काम किया जिस जिस चीजों में इसलिए उनको इस काम से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों महिला बास्केटबॉल विश्व कप जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। हम लोग इसमें एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि हमारी बास्केटबॉल टीम मेल फीमेल दोनों की बहुत खराब है, लेकिन ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया यूएसए बहुत ही खतरनाक टीम है। इसके अलावा दोस्तों मोटो जो अपनी बाइक वाली होती ना, एक तो फॉर्मूला वन चैंपियनशिप होती जो एक बार हुई थी, है ना, 2012-11 के टाइम, 2009 या 10 के टाइम पे, उसके बाद हुई नहीं कभी। नोएडा के अंदर फॉर्मूला वन चैंपियनशिप एक बार हुई थी, अब वो तो चलो चले गई, ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। देश में काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी लोग आते हैं, समझते हैं, देखते हैं कल्चर को। अभी हम लोग मोटो के अंदर जा रहे हैं, मोटो जो बाइक रेसिंग होती है ना जो आप देखते होंगे, तो मोटो ग्रैंड प्रिक्स जो कि इंडिया में 2023 में पहली बार है जो कि आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है गाइस। इसके अंदर भारत का नाम ऐड ऑन हो गया है, नोएडा के अंदर है जो कि इसको आयोजित करवाए जाने का पॉसिबिलिटी है। आगे बात करते हैं अमेंडमेंट इन द IBBI रेगुलेशंस। देखो क्या होता है कि 2016 में एक बॉडी बनाई गई थी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या था, ऐसी कंपनी जो कि पैसा नहीं चुकाती है, बैंक्रप्ट हो जाती है, डेप्थ हो जाती है उसके ऊपर, तो उसको कैसे इंसॉल्वेंट किया जाए, कैसे बैंक उससे पैसे निकाल सके, इसके ऊपर काम करने के लिए दोस्तों ये बनाया गया था। तो रिसेंटली जो है इन्होंने अपने रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किया है, है ना, ताकि मैक्सिमाइज कर सके रेजोल्यूशन के अंदर उसकी वैल्यू को। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो इसके अंदर होते हैं उन्होंने बोला है कि लिक्विडेशन जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। 1700 ऐसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है ना वो 2022 तक लिक्विडेट हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई थोड़ा सा और उसको एग्जामिन करें, थोड़ा और टाइम पीरियड लें, है ना, किसी भी तरीके से जो इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनको रेस्पॉन्सिबल बनाए। ऐसा नहीं बस वो पैसे कमा के निकल गए और उसके बाद छोड़ के चले गए। प्रोविजन दोस्तों बोला गया है कि जो स्टेक होल्डर जो है उनसे ज्यादा जो वैल्यू लॉस्ट हो गई है वो ले सके, है ना, डी इंसेंटिवाइज करें स्टेक होल्डर्स को ताकि वो किसी भी इस तरीके के ट्रांजेक्शन में नहीं आ पाए। लॉन्गर टाइम मिले असेट को मार्केट में इनेबल करने के लिए,
है ना, और बेटर मार्केट सॉल्यूशन है जो कि हम लोग लेके आए। तो इन सब चीजों को लेकर इन्होंने कुछ चेंजेस है जो कि करे हैं, अमेंडमेंट करे हैं 2016 के अंदर दोस्तों, ये लेके आया गया था ताकि इंप्लीमेंटेशन कर सके कोड का और ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म कॉर्पोरेट और इन सबको जो है थोड़ा लायबल बना सके काम करने को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं AIBD एनुअल गैदरिंग को लेकर। देखो रिसेंटली क्या हुआ, हमारी जो प्रेसिडेंटशिप जो है ना वो कंटिन्यू हो गई है, कहां पर, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अंदर। तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उसके डेवलपमेंट के ऊपर जो काम होता है वो यहीं पर ही होता है। हमारी प्रेसिडेंटशिप एक साल के लिए बढ़ गई है, सारे मेंबर्स ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया, दिल्ली में इसको आयोजित है जो कि करवाया गया था 1997 के अंदर दोस्तों, यूनेस्को के अंदर में ही इसको फॉर्मेशन हुआ है ना, और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग उन सबको लेकर यहाँ पे चर्चाएं होती है, जैसे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनेस्को है, इन सब ने मिलकर है दोस्तों जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। रिसेंटली जो मीटिंग हुई है वो दिल्ली के अंदर हुई है, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं सोशल ऑडिट के बारे में। देखो एक तो होती है फाइनेंशियल ऑडिट, आपकी कंपनी में कैसे फाइनेंसेस हैं, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो फाइनेंशियल ऑडिट हो गई है ना, फाइनेंशियल पैसा आया गया, कितना लॉस है, प्रॉफिट है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी अगर सरकार इंप्लीमेंट करती है स्कीम, उसका कितना जनरली समाज पे फर्क पड़ा है, अगर मुझे इसको टेस्ट करना है तो मुझे इसके लिए सोशल ऑडिट है जो कि करवानी पड़ेगी। तो राजस्थान दोस्तों पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सोशल ऑडिट रिसेंटली करवाने के लिए बोला है और उसके लिए बजट भी अनाउंस किया है, जैसे मनरेगा में भी होता है, मनरेगा में भी बोलते हैं कि कुछ अमाउंट जो होता है ना मनरेगा बजट का वो सोशल ऑडिट में जाना चाहिए, उसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो कितना सीरियसली ग्राउंड पे देखने को मिला है, कितना चेंज आया है वो पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे हर स्कीम का भी होना बहुत जरूरी है, सरकार जो भी स्कीम लाए उसका सोशल ऑडिट अगर होगा तो हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से चीजें पता लग पाएगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्पेशलाइज्ड सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी है जो कि बनाएगी, जो कि इस तरीके का काम करेगी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का काम करेगी, ट्रांसपेरेशन का, ट्रांसपेरेंसी के साथ में डाटा देगी। ओके, सर्विस करवाए जाएंगे, सर्विस जो डिलीवरी हुई है उसकी क्वालिटी के बारे में पता किया जाएगा, और ये मैं आपको मीनिंग बता ही चुका हूं कि होता क्या है, आपको प्लान करोगे, अथॉरिटी कंडक्ट करेगी और फाइनलाइज करेगी सोशल ऑडिट को, जो भी सरकारी योजना है जो कि चलाई जा रही है। ओके, चलिए ये मैं आपको बता चुका हूं। सेक्शन 17 जो मनरेगा का है उसमें भी बोला गया है कि जो 0.5% जो मनरेगा का बजट है उसका फंड सोशल ऑडिट में जाना चाहिए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल बहुत कम है इस काम को करने की। अगर सरकार स्कीम तो लॉन्च कर देती है, अगर उसका जेन्युइनली इंप्लीमेंटेशन निकाला जाए तो मुझे लगता है कि 2-5 या 10% निकलेगा, इसलिए सरकारें बताती नहीं है कि उस योजना को सच में लाभार्थी उसके कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल जो है ना ये इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा दोस्तों रेसिस्टेंस है ना, और इसके अलावा लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता को भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, और एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसी, तो कोई ऐसी एजेंसी भी नहीं है जो कि इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर जांच कर सके। तो ये सारे के सारे इसकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है गाइस, चलिए तो इसमें क्या हो सकता है कि सिटीजन्स अगर खुद भी मान लीजिए अगर मिलकर कैंपेन करते हैं सोशल ऑडिट को आगे बढ़ाने को लेकर है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को या जो लीडर्स को उनको फोर्स करते हैं कि आप इसका ऑडिट कराइए, तो माइट भी धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी बदलती जाए। ऑलराइट, करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें, आठ जो आईआईटीज है उसके डायरेक्टर अपॉइंट करे गए प्रेसिडेंट के द्वारा रिसेंटली। जियो सिनेमा OTT ने मर्जर कर लिया है वाइको मीटिंग के साथ में। बिहार गवर्नमेंट जो है नो बैग डे स्कूल में इंट्रोड्यूस कर रही है। वोकैबुलरीज की बात करें, जील का मतलब होता है एंथुजियाज्म है ना, डिसिसिव का मतलब किसी को ट्रिक करना, फ्रॉड करना, इम्प्रीमेच्योर का मतलब जो प्रीमेच्योर मतलब किसी से ऑफिशियल अप्रूवल लेना, ठीक है, डिसऑर्ड का मतलब कन्विंस करना किसी को कि वो काम नहीं करे, इसको बोलते हैं है ना डिसऑर्ड, और नो मतलब किसी को टॉर्चर करना, परेशान करना। इसके अलावा करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों आप, ये सिर्फ 499 रुपीज का है, क्लास 24 की एप्लीकेशन पे SSC बैंक, FCI, डिफेंस, पुलिस, जो भी आपका PCI का पेपर है ना, इन सब पेपर के लिए कल से दोस्तों ये क्लासेस है जो कि स्टार्ट हो रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने का दोस्तों इसका कंप्लीट ड्यूरेशन है, मतलब 2-3 महीने क्लास चलेगी, 2 महीने टाइप ये क्लास चलने वाली है, 6 महीने तक आपका इसका ड्यूरेशन रहेगा है ना। ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बायलैंग्वल होगा, वीकली टेस्ट होगा, प्रिंटेबल नोट्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक साल का हम लोग कवर करेंगे, आप इसके ऊपर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। साथ में ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि इस बार 1000 सिलेक्शन का टारगेट किया गया है और मात्र 2000 रुपए का इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर सारे सब्जेक्ट आपको ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ा रहे हैं,
आपको क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद अपना गोल SSC सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप जाइए प्रिपरेशन में, उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच आपको टॉप में दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे तो करंट अफेयर कैप्सूल बैच भी इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज का फन फैक्ट है जो कि है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज जो है दोस्तों वो डोंकी के मिल्क से है जो कि बनती है। ठीक है, किसी को चाहिए हो तो परचेज कर लेना, बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। चलिए तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। आज क्वेश्चंस में नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, इसको शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, ताकि और भी एक अच्छा करंट अफेयर 40-45 मिनट का कॉम्प्रिहेंसिवली जो है लोग पढ़ सके और अपनी डे बाय डे नॉलेज को इंप्रूव कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।